Mama! 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 कैसा है बच्चा? मैं ठीक हूँ नानू, पर मामा अब तक घर नहीं आई है और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। 10 बज गए, अब तक नहीं आई। रुक सर, कब गई थी मम्मी बाहर? पता नहीं नानू, पर जब मैं ट्यूशन से घर आई तब मामा घर पे नहीं थी। ठीक है बेटा, अब परेशान मत हो, अब खाना खा लो, मैं आता हूँ। मम्मी कहीं फंस गई होगी। मैम, किसी ने जानबूझ के गैस पाइपलाइन को ब्लेड से काटा है, मर्डर केस लग रहा है। उबैद हो सकता है, उबैद की कल की मूवमेंट चेक करो, उसके माँ बाप का कच्चा चिट्ठा निकालो, हो सकता है सबने मिलकर ये किया हो। जुबेदा के ससुराल वालों को उठाओ। चल, चल। सर, 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 मेरी बात सुनिए, मैंने जुबेदा को नहीं मारा, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। झूठ बोलता है, गैस पाइपलाइन काटी गई थी और घर की चाबी सिर्फ तेरे पास थी। मैंने नहीं काटा गैस पाइपलाइन, मैं तो डिलीवरी करने गया था। माल डिलीवर करना है, जाके आ। देख के चलो विनय, चलो चलो सब बता। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं फैमिली टॉर्चर, हैरेसमेंट और मर्डर के इल्जाम पे चार्जशीट दर्ज करो। उबैद ने घर से निकलने से पहले गैस पाइपलाइन काटी थी। गैस लीकेज की वजह से पड़ोसियों को भी स्मेल आई थी। जुबेदा ने जब खाना बनाना शुरू किया होगा तब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। परेशान थी मेरी बच्ची, उस उबैद का कोई चक्कर चल रहा था, रोज उसे मारता था। मेरी बच्चे को जाके दूसरी शादी भी कर लेगा। मेरे पास जुबेदा के SMS भी है। उबैद का कई और चक्कर चल रहा है अम्मी, मुझे घुटन हो रही है, नहीं रहा जाता यहाँ, नहीं रहा जाता, मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी, कहीं उबैद उबैद मेरे साथ कुछ कर ना दे। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, इंदौर से उत्तराखंड और हिमाचल फ्रूट ले जाना लाना यही काम था उसका। इंदौर और भोपाल के मार्केट में भी फ्रूट सप्लाई करता था। अच्छा, मैं जा रहा हूँ और शाम को मेरी पसंद की सब्जी बनाना, करेले की और आलू डालना और धोना। मैं अब्दुल सिद्दीक और ये मेरी नातिन जारा है। मेरी बेटी रुखसार कल शाम से गायब। कहाँ रहती है आपकी बेटी? जिस घर में कल आग लगी थी हम उसके ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं। फ्लैट नंबर 775। आपकी बेटी कब और कहाँ बाहर गई आपको कुछ पता है? ये तो पता नहीं वो कहाँ गई है, पर शाम को जारा ट्यूशन गई तब वो घर पर ही थी। जब 7 बजे जरा घर पे आई तो रुखसार घर पे मौजूद नहीं थे। मैंने मम्मी को बहुत कॉल किया पर उन्होंने उठाया ही नहीं। वो ऐसा कभी नहीं करती है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। आप प्लीज मेरी मम्मी को ढूंढ के लाएंगे मैडम?
मैडम प्लीज। गुप्ता प्लीज मैडम। रो मत बेटा, शांत हो जाओ, हम आपके मम्मी को जरूर ढूंढेंगे। शांत हो जाओ। देख जो भी सच है बोल दे, सारी डिटेल्स है हमारे पास। तेरा उस लड़की का फोन एक साथ एक ही लोकेशन पर स्विच ऑफ हुआ है। तो साफ है पहले से निकिता को गायब किया और फिर फोन बंद करके रख दिया। एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट। देखिए ये वरेन है ना, बहुत गर्म खोपड़ी का, अगर थोड़ी सी भी छूट दे दी ना मैंने इसको, तो तू आया तो गाड़ी में है, सोच ले जाएगा एम्बुलेंस में। साहब मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया तो फिर फोन क्यों बंद किया तूने अपना? साहब मेरी आखिरी सवारी थी साहब, और पिछले 12 घंटे से मैं काम कर रहा था, थक गया था इसीलिए मैं फोन बंद करके सो गया साहब। इतनी देर से प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा तेरे को? अब तेरा मीटर हम डाउन करेंगे। आपने पुलिस स्टेशन लेके जाओ इसको, और जब तक ये सच ना बोले ना कुत्ता साले। साहब मैंने कुछ नहीं किया। लड़की का घर यहाँ से मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पर होगा, घर के इतना नजदीक आके वो गायब कैसे हो सकती है? घर चेक करें सर एक बार। घर को देखकर ऐसा लगा नहीं है जैसे घर पे कुछ हुआ। सर ये जगह 10-11 बजे बाद काफी सुनसान हो जाती है, और शायद ये बात अगवा करने वाले जानते थे। मुझे तो दो ही पॉसिबिलिटी लग रही है, एक तो ये कि तपन ही निकिता को बहला फुसला कर कहीं ले गया और अब आकर नाटक कर रहा है, और दूसरा वो टैक्सी ड्राइवर शंभू, हो सकता है उसी ने ये कांड किया। सर निकिता की माँ की माने तो तपन बहुत ही होनहार और सीधा साधा लड़का है। सर मुझे तो शंभू पे शक हो रहा है, उसी ने कुछ गड़बड़ किया है। सर वैसे मैंने सभी टोल नाकों पर निकिता की फोटो सर्कुलेट करवा दिया है। निकिता के ऑफिस में भी बात करो, निकिता अच्छी पोजीशन पे थी, हो सकता है ऑफिस की पॉलिटिक्स के चलते कुछ हुआ। ठीक है सर मैं बात करता हूँ। वरेन ऐसे केसेस में विक्टिम जब शुरुआती घंटों में हमें नहीं मिलता है तो पता है ना क्या होता है, ये टाइम हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल। और ये पूरा एरिया स्कैन करवाओ, और आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज निकलवाओ क्विक। जी सर, इस इलाके के सभी पुराने चावलों को राउंड अप कर रहे हैं, बहुत जल्द निकिता की खबर हमारे पास होगी। कहाँ छुपा के रखा लड़के को? कहाँ छुपा के रखा लड़की को बोल? पानी चौबीस घंटे हो गए, नहीं अभी तक हमें कोई लीड मिली है, नहीं फरौती के लिए कॉल आया। सर निकिता की माँ और पति बाहर बैठे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। क्या बात करूँ मैं उनसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लड़की हवा में गायब हो गई है क्या? सीसीटीवी से कुछ मिला? नहीं सर, उस एरिया में ज़्यादातर बिल्डिंग्स या तो खाली हैं या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक दो बिल्डिंग है जहाँ पर कैमरे लगे हुए। मीडिया को तो भनक नहीं लगी है? नहीं सर अभी तक तो नहीं लगी है ज़्यादा, बस एक दो चैनल हैं और कुछ सोशल मीडिया पेजेस हैं जहाँ पर ये केस रिपोर्ट हुआ है। इससे पहले कि ये न्यूज आपकी तरह पहले, हमें निकिता को ढूंढना होगा। 24 साल की एक लड़की अपने घर से महज 20 फीट की दूरी से अगवा कर ली गई है। सोचिए पुणे शहर कितना अनसेफ हो चुका है, 36 घंटे हो चुके हैं लेकिन पुलिस अभी भी क्लूलेस है। इसीलिए हम एक ऑनलाइन मुहिम शुरू कर रहे हैं, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो #SavePuneGirls लिखकर इस वीडियो को शेयर कीजिए।
जैन सर। तपन, क्या कहा पुलिस ने? क्या कहा पुलिस ने? हाँ, पुलिस ने कहा कि एक 24 साल की होनहार लड़की को दो दिन पहले अगवा किया गया और उसे बेरहमी से पीटा गया और फिर उसे मारकर फेंक दिया गया। सोचिए उस माँ पर, उस पति पर क्या बीत रही होगी। मेरा सवाल पुलिस प्रशासन से है कि क्या वो इस शहर की लड़कियों को एक महफूज शहर देने के काबिल भी नहीं रहा? यहाँ तक बॉडी को लाने के लिए किसी न किसी व्हीकल का इस्तेमाल हुआ होगा। सर, इस एरिया के सारे सीसीटीवी स्कैन कर रहे हैं हम। निकिता के पास पर्स, लैपटॉप, इयररिंग्स, तपन से सबकी डिटेल। वो किसी न किसी ब्लैक मार्केट में उसे बेचने की जरूर कोशिश करेंगे। ओके सर। लड़की को तो नहीं बचा पाए लेकिन अब उसके कातिल भी नहीं बचे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.